नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूरोप से। यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जो भारत को इंपोर्ट भी करते हैं भारत से, और भारत को एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसी से रिलेटेड एक भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। कहते हैं कि जब भी कभी आपके साथ जो जैसा व्यवहार करे, आपको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इससे अपना मान सम्मान भी बना रहता है और कोई अपने को कमज़ोर भी नहीं समझता है। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों भारत के साथ अभी यूरोपियन कंट्रीज़ ने कर दिया है। तो भारत ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि ऐसा आखिर क्या हुआ है। दोस्तों, क्या है कि जब से भारत की इमेज विश्व में बढ़ने लगी है, भारत की कंपनियाँ भारत के बाहर जब और अच्छा बिजनेस करने लगी हैं, तो भारत की कंपनियों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया बाहर के लोगों ने, बाहर की कुछ कंट्रीज़ ने। अब दोस्तों, कुछ लोगों ने भारत की कंपनियों के प्रोडक्ट को टारगेट करना लग गए और उसमें छोटी सी छोटी कमियों को बाहर करने लगे। इसकी वजह से या तो वो उस भारत की कंपनियों के प्रोडक्ट को बैन लगा दिया, या तो वो ख़रीदते नहीं हैं, या ख़रीदते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टैरिफ लगा दिए। इससे क्या होता है कि भारत के प्रोडक्ट उस मार्केट में उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पाते हैं। अब दोस्तों, क्या है क्या बात कि जब से भारत की कंपनियां ग्लोबल लेवल पे आ चुकी हैं, तो उससे बहुत ही देशों को नुकसान हुआ है। तो उससे क्या है कि वो भारत की कंपनियों को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो भारत के प्रोडक्ट टारगेट किए जाते हैं, वो भारत के फूड प्रोडक्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा टारगेट किए जाते हैं। और उनके ऊपर बैन लगाया जाता है काफ़ी ज़्यादा, और उनके ऊपर टैरिफ भी काफ़ी बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये एक भारत के लिए बहुत ही बड़ी समस्या रही है, ख़ास करके यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वहाँ से, उसमें भी यूरोपियन यूनियन, जिसमें कि करीब 27 कंट्रीज़ मिलकर एक यूनियन को फॉर्म कर चुके हैं, जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। तो वहाँ से सबसे ज़्यादा समस्या आती है। तो भारत ने भी इस बार बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया है यूरोपियन कंट्रीज़ को, जैसा यूरोपियन कंट्रीज़ भारत के साथ करते हैं। तो भारत ने अभी पिछले करीब 2 साल में यूरोप के जो प्रोडक्ट थे करीब 1550, उसमें ये समझ लीजिए कि वो सारे प्रोडक्ट थे, उसमें चाहे पनीर से ले करके विस्की तक की जो भी प्रोडक्ट हैं, वो सारे भारत ने देखे और पिछले 2 सालों में ये सारे प्रोडक्ट उनको वापस कर दिए। अब दोस्तों, वापस जब किए तो उसमें से ये समझ लीजिए कि करीब पिछले 6 महीने में ही 550 से ज़्यादा प्रोडक्ट को वापस किया जा चुका है, और उससे पहले 1000 प्रोडक्ट को करीब वापस किया था, तो वो करीब 1.5 सालों में किया था। एक तो ये चीज़ है। अब भारत ने क्यों वापस किए, भारत ने ऐसा क्या रीज़न लगाया? भारत की एक एजेंसी है, एक FSSAI है, FSSAI जो भारत के फूड को देखती है, इसने भारत के जो प्रोडक्ट आ रहे थे बाहर से, उसमें 3 तरीके के वेरिफिकेशन लगा दिए, और वो वेरिफिकेशन अगर वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे प्रोडक्ट, तो भारत ने उस प्रोडक्ट को वापस भेज दिया। तो अब क्या किया, पहला वेरिफिकेशन वो करते हैं डॉक्यूमेंटेशन का, सारे वो पेपर चेक करते हैं कि ये पेपर प्रॉपर है या नहीं है, उसमें कुछ कमी तो नहीं है। पहला वेरिफिकेशन वहाँ पर होता है। दूसरा वेरिफिकेशन होता है प्रोडक्ट के लेवल पे, यानी कि प्रोडक्ट को देखा जाता है, प्रोडक्ट को चेक किया जाता है कि वो ठीक है या नहीं है। इसके बाद जब ये दूसरा वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब तीसरा वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और वो वेरिफिकेशन होता है सैंपल और यूज करने का। उसको जब सैंपल यूज कर लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट हमारा जो स्टैंडर्ड है उससे मैच करता है, तब तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, और अगर वो मैच नहीं करता है तो हम उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं। तो भारत के जो प्रोडक्ट आए हैं यूरोपियन कंट्रीज से, तो वो भारत के जो स्टैंडर्ड हैं उसको मैच नहीं कर पाए हैं ये 1550 प्रोडक्ट, तो इनकी वापसी कर दी गई है भारत की तरफ से। जब भारत ने इसको वापसी करी, तो इससे यूरोप के कंट्रीज़ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि भारत उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि वो चाइना को इतना अपना माल नहीं बेच पाते हैं, तो भारत को ही वो बेच सकते हैं, क्योंकि भारत के पास मार्केट बहुत बड़ी है। हालांकि दोस्तों, अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें और भारत की बात करें, दोनों के अगर बिज़नेस को देखें तो बहुत अच्छा बिज़नेस होता है। भारत ये समझ लीजिए कि $45 बिलियन से ज़्यादा का बिज़नेस हमने उनको एक्सपोर्ट किया है, और लगभग इतना ही हमने इंपोर्ट भी किया है। तो अगर ट्रेड डेफिसिट माने
तो 0.1 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है जो यूरोपियन यूनियन के लिए, मतलब हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है और इम्पोर्ट थोड़ा सा कम किया है, मतलब 0.1 बिलियन डॉलर। तो वो बिज़नेस भारत के लिए कहीं से नुकसानदेह तो नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही प्रॉफिट सही, थोड़ा सा ही फ़ायदा सही, लेकिन वो फ़ायदा है। लेकिन इसमें भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो भारतीय कंपनियों के साथ हो रहा है, भारतीय प्रोडक्ट के साथ हो रहा है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए भारत को प्रॉपर जवाब देना चाहिए। और ये जो चीज़ अभी यूरोप की तरफ से हो रही है, ऐसे ही कुछ कंट्रीज़ और हैं जो हमारी ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इसमें भी एक दो कंट्रीज़ हैं, और साउथ एशिया से अगर हम आगे और जाएं ईस्ट की तरफ तो उधर की भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो इस तरह की चीज़ें करती हैं। तो उन पर भी हमें फोकस करना चाहिए कि भारत अपना वैसा ही जवाब दे जैसा भारत के प्रोडक्ट के साथ किया जा रहा है, हम उनकी कंपनियों को वैसा ही देखें। बैन लगाना है तो बैन लगाएं, अगर उनको टैरिफ बढ़ाना है तो हम उनके प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ाएँ ताकि वो हमारी मार्केट को उतना ज़्यादा टच ना कर पाएँ फिर, और अपनी मार्केट का भी वो वैसा ही एक्सेस दें जैसा हमको अब हम यहाँ से हम देते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ और अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।